दर्शक बंधु संप्रति इज्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एवं तंकरी अनेक गुड़े वरिष्ठ अफिसर मानंकु एक भय गुड़ेबा आरंभ करिछि। ए भयटी हला इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा काले एमिति एक निर्देश जारी हबो कि बेंजामिन नेतन्याहू एवं इज्राएल वरिष्ठ अफिसर मानंकु गिरफ करा जाउ। वर्तमान ए प्रसंग प्राय प्राय अंतरराष्ट्रीय गणमाध्यम रे एक वितर्कर प्रसंग को जन्म देछि एवं जदि एमिति भी हुए ताहले एहाकु भारत स्वीकार करिवो कि भारत छड़ा चीन हो पाकिस्तान हो रशिया हो एमाने स्वीकार करिवे कि संभवत एमाने केतेबेले मध्य स्वीकार करिवे नाही। तबे ए मामला संपर्क रे आगुकु बढिबा पूर्वरु केतेटी विषय त निहाति भाबरे जानिबा दरकार। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेदरलैंड रो गुटी शहर दि हेग एठारे अवस्थित एवं एठारे आउ एक गुरुत्वपूर्ण अनुष्ठान मध्य रहिछि जहाकु आईसीजे बोली कहा जाय अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एबे एही दुईटी गुरुत्वपूर्ण कोर्ट आईसीसी एवं आईसीजे एमानंक मध्यरु सबुठारु बलवान किए जदि प्रश्न हुए ताहाले उत्तर मिलिबो आईसीजे कारण इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जाति संघ द्वारा निर्माण करा जाय जेउ माने जाति संघर सदस्य सेमाने एही कोर्ट को मान्यता देथांति। एही कोर्ट संभवत एबे भारत पाकिस्तान मध्यरे जो इंडस विवाद एहाकु मध्य प्रसंग करा जाई पारे एवं मोटामोटी भावरे जदि मने पका जाए ताहले एही कोर्ट रो मान्यता अनेक दृष्टिरु बलवान बोली मध्य जना पड़े एवं सबुठु बड़ कथा हला कि आईसीसी बोली जहाँ को कहा जाउची एही कोर्ट छड़ा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एही कोर्ट रो मध्य एक स्वतंत्र प्रसंग जहाँ की संभवत पुटिन को क्षेत्र रे देखिबा को मिलिथिला जेतेबेले पुटिन को विरुद्ध रे एक रकम एक प्रकार रो अभियोग आईसीसी रे दायर करा जायथिला एथरे कहा जायथिला कि रूस यूक्रेन युद्ध बेले रूस द्वारा अनेक छोटो छोटो छुआ मानंकु बलपूर्वक यूक्रेन रु बाहर करा जाय रशिया को स्थानांतरित करा जायछि एवं एही छुआ चोरी अभियोग रे पुटिन को नारे विरोध रे एक प्रकार अपील दायर करा जायथिला एवं आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक निर्देश मध्य जारी करथिला कि जेउ देश आईसीसी अंतर्भुक्त अर्थात इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अंतर्भुक्त रहिचंती सेई देश रे जदि पुटिन पाद देबे तांको तत्क्षणात गिरफ करा जिवो। आपण मानकर मने थिबो दक्षिण आफ्रिका एक ब्रिक्स देश 2023 मसिया रे एक ब्रिक्स सम्मेलनी अनुष्ठित होइथिला एवं दक्षिण आफ्रिका आईसीसी को बा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मान्यता देथिबा एक देश दृष्टिकोण रु सेतेबेले बड़ प्रसंग जन्म नैथिला कि एही ब्रिक्स सम्मेलन रे रशिया रो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन जोग देबे कि नाही कारण जदि एही देश रे पुटिन पाद रखितांते तांकु गिरफ करा जायथांता पुटिन गिरफ हेबे नाही एभली अनेक प्रसंग जन्म हनवा पूर्वरु एही ब्रिक्स सम्मेलन रे पुटिन जोग ही देले नाही। यूरोप रो बड़ बड़ देश एथिरे सामिल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मध्य सामिल जापान दक्षिण कोरिया मध्य एथिरे सामिल अछंती मंगोलिया मध्य रहिची तो एभली अनेक देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मान्यता देथिबा दृष्टिकोणरु जदि एभली कोनोसी निर्देश इजराइल रो प्रधानमंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी मानंक विरोध रे गिरफ परिमाना जारी करा जाए ताहले संभवत बेंजामिन नेतन्याहू को एक बड़ असुविधा सृष्टि होई पारे कारण अनेक गुड़िए बड़ बड़ देश जर्मन हो फ्रांस हो नेदरलैंड हो ऑस्ट्रेलिया हो न्यूजीलैंड हो एभली देश माने जेतेबेले एही आईसीसी रो अंतर्भुक्त रहिचंती बेंजामिन नेतन्याहू पाद रखिबे केउठी एवं सेतेबेले इजराइल पई भारत एक गुरुत्वपूर्ण देश रूपरे निश्चित मात्रा रे परिगणित हबो। एबे प्रश्न उठुची कि अक्टोबर 7 रो आक्रमण परे परे जेउभली भाबरे इजराइल गाजा रे आक्रमण कला एवं एही आक्रमण रे प्राय 34,000 लोकंकर जीवन चली जायथिबा बळे तथापि एही आक्रमण रोकिबार ना एपर्यंत सहजरे सामना को आसु नाही। एबे राफा उपरे मध्य इजराइल आक्रमण करिवो एभळी एक सूचना मध्य आसीथिबा स्थळे सीधासळख एथि पूर्वरु साउथ आफ्रिका बा दक्षिण आफ्रिका आईसीजे रे अंतरराष्ट्रीय न्यायपालिका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रे मध्य इजराइल विरुद्ध रे एक अपील दायर करथिला किंतु एजाए आईसीजे तरफरु ना तो इजराइल को एथिपई दोषी रूपरे आख्या दिया जाय बा एभली कोनोसी कार्यानुष्ठान बा गिरफ परवाना एपर्यंत जारी करा जायछि किंतु एबे वर्तमान मामला चलिछि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को नै एभली स्थिति रे सर्वदा इजराइल को समर्थन करि आसुथवा अमेरिका रो भूमिका कोन रहिबो एहा
ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ, କାରଣ ଅତୀତରେ ଆମେରିକାର କିଛି ସୈନ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରକାର ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ଏହି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା କ'ଣ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆଇସିସି ତରଫରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବ କି ନାହିଁ, ଏହା ବଡ଼ ବିତର୍କ। ଏହା ସହ କି ପ୍ରକୃତରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମାମଲାରେ, ଗାଜା ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ବା ଗିରଫ କରିବା ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।